हेलो, आप देख रहे हैं इन खबर हिस्ट्री और मैं हूं विष्णु शर्मा। आपके लिए लेकर आया हूं मैं इतिहास के पन्ने से ऐसी दिलचस्प कहानी जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी तक ने कहा कि जो पहला प्रधानमंत्री था देश का वो अलोकतांत्रिक ढंग से चुना गया। तो आखिर क्या थी उसके पीछे की कहानी, क्यों ऐसा दावा किया पीएम मोदी ने, वो आज इस शो में हम आपको बताएंगे। दरअसल होता क्या था कि जब आपको जो पहला प्रधानमंत्री मिला वो वास्तव में 51-52 में पहले चुनाव हुए तो उसके बाद से प्रधानमंत्री होना चाहिए था, लेकिन 47 में प्रधानमंत्री बनाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो वो कैसे चुने गए जब चुनाव नहीं हुए, तो वो जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि बेसिकली होना ये था कि जो कांग्रेस प्रेसिडेंट बनना था अंग्रेजों की तरफ से उनको नौता जाना था कि आइए प्रधानमंत्री पद संभालिए और सरकार बनाइए, क्योंकि उस वक्त तक चुनाव हुए नहीं थे। तो ऐसे में उस वक्त 1940 में पहली बार जब बनाया गया था मौलाना अबुल कलाम आजाद को, तो जब 40 में वो बने, रामगढ़ का अधिवेशन था, वहाँ वो प्रेसिडेंट बनाए गए। और हुआ ये कि उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट, सेकंड वर्ल्ड वॉर, ये सारी इतनी वजह आ गई कि उसके बाद और कई कांग्रेस नेता सालों तक जेल में रहे। तो उस दौरान 40 से 46 तक कोई कांग्रेस चुनाव नहीं हुआ कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए, तो आज़ाद जो थे लगातार 46 तक बने रहे। अब क्योंकि चुनाव होना था दोबारा और ये तय हुआ कि 20 अप्रैल 1946 तक नॉमिनेशन कर दें जो भी प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं कांग्रेस का, और ये सबको पता था कि अब जो प्रेसिडेंट बनेगा उसके पास न्योता आएगा प्राइम मिनिस्टर बनने का। तो हुआ ये कि 20 अप्रैल 1946 को गांधी जी ने ये बयान दिया कि मेरी पसंद नेहरू हैं, नेहरू ये संभालें। और लेकिन उसके बाद हुआ क्या, क्योंकि उस वक्त जो नॉमिनेशंस होते थे वो जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, ऐसी 15 प्रदेश कांग्रेस कमेटी थी। अगर आपको राहुल गांधी का अभी का चुनाव का याद आए प्रेसिडेंट के चुनाव का, तो उन्हें सारी कांग्रेस कमेटी ने नॉमिनेट किया था, बिल्कुल उसी तरह तब हुआ। प्रदेश कांग्रेस कमेटी थी, 15 प्रदेश कांग्रेस कमेटियों ने अपने नाम भेजे, उन नामों में 12 ने सरदार पटेल का नाम लिया और जो 3 थे उन्होंने किसी को एक तरह से नोटा कर दिया, किसी को वोट ही दिया। तो ऐसे में सवाल उठता है कि फिर नेहरू, जब पटेल के हक में सारी बातें आईं तो नेहरू कैसे प्रधानमंत्री बन गए देश के। तो कहानी ये यहाँ पे आई कि जो 29 तारीख तक होना था, इसी बीच में अबुल कलाम आज़ाद जो तो पहले थे प्रेसिडेंट, उन्होंने इच्छा जताई, बाद में अपनी बायोग्राफी में लिखा कि मेरी इच्छा थी कि मैं एक और टर्म लूँ, लेकिन उन्होंने उस वक्त नेहरू को सपोर्ट किया। और बाद में अपनी जो बायोग्राफी में उन्होंने लिखा कि मेरी लाइफ का सबसे बड़ा ब्लंडर था कि मैंने नेहरू को सपोर्ट किया, मुझे पटेल को करना चाहिए था। उसके बाद गांधी जी इस रोल में आते हैं, गांधी जी ने साफ क्लियर किया कि नेहरू ही प्रधानमंत्री होंगे। और इस तरह से जो कांग्रेस प्रेसिडेंट का चुनाव चल रहा था उसकी सारी प्रक्रिया फिर बाहर नहीं आई। आप देखते हैं 46 तक आज़ाद रहे और 47 में जे.बी. कृपलानी को प्रेसिडेंट बनाया गया कांग्रेस का और नेहरू को प्रधानमंत्री पद के लिए दे दिया गया। तो इस तरह से अगर ये कोई दावा करता है कि हाँ वाकई में अलोकतांत्रिक ढंग से पहले प्रधानमंत्री का देश का चुनाव हुआ, तो आप ये मान सकते हैं बिल्कुल जैसे स्टेट की जो बीजेपी की इकाइयां चुन लें किसी और को, मोदी को और आडवाणी को आरएसएस प्रधानमंत्री पद के लिए भेज दे। तो इसी तरह से गांधी जी ने उसमें एक तरह से अपना वीटो दिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू का देश का प्रधानमंत्री, पहला प्रधानमंत्री बना दिया। देखते रहिए ऐसी दिलचस्प कहानियां हमारे इस इन हिस्ट्री चैनल में, आपके लिए फिर लेकर आएंगे ऐसी दिलचस्प कहानी। थैंक यू, नमस्कार।